सर, समय काफी कम है, कैसे प्रिपेयर करें? देखो, आज इतनी सारी जो है बातें हम लोगों ने बताई हैं, आज आप लोगों को जैसे कि पता होगा, ठीक है, कि जो सेशन हुआ था आपका 6:30 बजे हमारे अपने यूट्यूब पे, उसमें एक एक बात मैंने बताया था आप लोगों को कि तैयारी कैसे करेंगे इन कम समय के बीच में। ठीक है, एक छोटी सी कहानी जो है मैं आप लोग को सुनाता हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं और बुरे वक्त में भी जो है ऐसा कहते हैं कि बुरे वक्त में भी आप अपने आप को कैसे संभालें। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैंने कहीं सुनी थी, किसी ने मुझे सुनाई थी, और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कहानी है। 2 मिनट का आपका वक्त लेंगे और आपको उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आपको उससे सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। जैसे आप लोग अपने लाइफ में काफी परेशान होते हैं ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई पेपर नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, घर वालों के जो ताने होते हैं उससे थोड़ा सा सुन के परेशान हो जाते हैं, तो शायद इस छोटी सी कहानी से, 2 मिनट की कहानी से आपको जो है काफी ज्यादा फायदा मिले, आपको ज्यादा हिम्मत मिले। तो एक शहर था, ठीक है, और एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनकी 2 बेटी थी और उनके जो पति हैं वो एक्सपायर कर गए थे, उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। तो हुआ क्या कि उनका 2 बेटी जो था, ठीक है, तो उनका धीरे धीरे जैसे जैसे वो बेटी बड़े होते गई, उनका बाद में क्या कर दिया गया, शादी करा दिया उन्होंने। अपने बेटियों के मर्जी के हिसाब से शादी करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, परिवार अच्छा मिला, अच्छा सपोर्ट मिला उनके तरफ से। शादी होने के बाद उनका परिवार जो है लड़कियों का वो भी सुखी रहा। एक लड़की का जो है वो छाते का बिजनेस था और दूसरी लड़की जो है वो नूडल्स का बिजनेस यानी मैगी का बिजनेस करती थी। ठीक है, बढ़िया तरीके से दोनों का व्यापार बढ़िया चल रहा था और जो माँ थी उनको दोनों बेटियों से बराबर का प्रेम था, बराबर का मतलब स्नेह था, किसी से ऐसा नहीं है कि किसी बेटी को वो कम चाहती थी, किसी बेटी को ज्यादा। वक्त मिलता था तो आराम से कभी इस बेटी के घर चली गई, कभी उस बेटी के घर चली गई। तो एक बार हुआ क्या, ठीक है, कि बहुत कड़ी धूप थी और उस कड़ी धूप में माँ जो है वहां से अपने बेटी के घर से अपने घर पर आई और कड़ी धूप में जब वो आई तो भगवान को कोसने लगी। ठीक है, भगवान को कोसने लगी, क्या कहने लगी कि हे भगवान, इतनी ज्यादा जो कड़ी धूप है तुम बताओ हमारे बेटी के छाता का बिजनेस कैसे चलेगा, बारिश करवाओगे तब तो उसका जो है गुजारा होगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगले दिन के शाम में जो है वहां पर क्या होने लगा, बारिश होने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई बढ़िया तरीके से। एक बेटी का जो छाते वाला जो बिजनेस था वो बढ़िया तरीके से उठ गया, काफी ऊपर उठ गया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन वहीं पर फिर उस माँ जो है वो बूढ़ी माँ अचानक से फिर क्या हो जाती है, फिर से दुखी हो जाती है। और क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि अब जो है दूसरी बेटी का दुकान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका मैगी का बिजनेस है और मैगी का बिजनेस है, नूडल का बिजनेस है, तो उस मैगी या नूडल को सुखाने के लिए धूप चाहिए, वो सूखेगा तभी तो वो उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएगी। ठीक है, अब 4-3 दिन से बारिश हो रही है, धूप मिल नहीं रहा है, तो उसका दुकान तो चल नहीं रहा है, तो वो उस कारण दुखी हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है, धीरे 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 कुछ समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, रोज माँ जो है परेशान होती है, डेली जो बूढ़ी माँ है वो भगवान को कोस रही होती है, तो समाज में जो उसका इमेज बन जाता है वो ऐसे बन जाता है, अरे यार ये खूसट बुढ़िया है, पागल है, चिड़चिड़ी है, हमेशा जो है भगवान से नाराज रहती है, इसके पास जाओ मत, इसके पास बात मत करो। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है एक बाबा गुजर रहे होते हैं वहां से, ऐसे समझो, ठीक है, साधु संत बाबा थे, तो उस माँ के पास जाते हैं। सब लोग मना करते हैं कि आप वहां मत जाओ, ठीक है, पागल औरत है, दिमाग खराब कर देगी, लेकिन चूंकि बाबा जो साधु संत इंसान होते हैं, ठीक है, वो कितना भी हो तो उन्हें पुण्य करने में बहुत अच्छा लगता है, हर किसी का भलाई ही वो करते हैं। तो वो उस माँ के पास पहुंचते हैं, उस माँ के पास पहुंचते हैं, वहां पर तो उसे पूछते हैं कि बताओ माता क्या हुआ है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने अपनी जो पूरी स्टोरी है वो बताई कि देखो मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, मुझे दोनों का भला चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है तो एक दिन ऐसा हो जाता है। तब वहां पर वो बाबा एक बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, बड़ा जबरदस्त बात कहते हैं जो आपको सुनना चाहिए। उन बाबा ने एक ही बात कहा कि देख माँ, इसमें परेशान होने की तो कुछ बात ही नहीं है, तू बेकार का जो है वो परेशान हो रही है, तुझे तो भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और तुझे इस खुशी में शामिल होना चाहिए। अब वहां पर जो माँ है वो भी परेशान, मैं दुख में हूं और ये मुझे खुश होने को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपदा को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जिस दिन बादल घिरे हैं तो आप ये सोचकर खुश हो जाओ कि आज आपके उस बेटी का बिजनेस चमकने वाला है जिसके पास छाता है।
ठीक है, आप उस दिन दूसरे वाले बेटी के बारे में जो है वो सोचो ही मत कि दूसरी वाली बेटी के बिजनेस का क्या होगा, सिर्फ उसके बारे में सोचो जिसका आज फायदा होने वाला है। और जिस दिन आसमान में जो है धूप निकलता है, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचो जो मैगी या नूडल्स का बिजनेस करती है, ठीक है, आप उस बेटी के बारे में सोचो ही मत जिसका जो है छाते का बिजनेस है। तो हमेशा खुशी में खुश रहो, दुखी नहीं होना है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है हमेशा उसका फायदा उठाना है। अगर हमारा फिजिकल, अगर हमारा प्री क्लियर होता है तो हमें ये नहीं रोना कि यार हमारा जो है फिजिकल कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर आपका मानो मैथ वीक है तो आप जिंदगी भर इस बात से लेके मत रोते रहो कि मैथ वीक है, मैथ वीक है, मैथ वीक है, जबकि इस बात से खुश हो यार, चलो ठीक है, तीन सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मेरा जीके जीएस अच्छा है, एक ही तो सब्जेक्ट वीक है, उसको स्ट्रांग बना लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर पैसे की कमी है, सर ये चीज की कमी है। अरे यार, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को लाइफ में देखा है जो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के ऑफिसर बने हैं, बढ़िया बढ़िया रैंकर बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं। वो तब बने हैं जब उन्होंने जिंदगी में मेहनत की है, उनको पता है, ठीक है, एक एक चीज उनको पता है, मेहनत का स्वाद उनको पता है। तो ये बात समझो, उनको पता था कि यार हमें सफलता मिलेगी, बस हमें मेहनत करते जाना है। पॉजिटिव साइड का सोचो कभी भी, अगर मानो हम कहते हैं ना, ठीक है, डार्कर साइड में नहीं देखना, हमेशा ब्राइटर साइड में देखते रहो कि ठीक है यार आपकी चीजों में अच्छा हो रहा है, आप डेली 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 सीख रहे हो, फायदा कर रहे हो अपने आप का जो है, अपने आप को धीरे 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 ऊपर पहुंचा रहे हो, आज ये क्लास हो गई, कल कोई और क्लास हो गई, सीख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो ना, तो इस बात से फ्रस्ट्रेट मत हो कि नौकरी नहीं निकल रही है, पेपर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तसल्ली से काम करते रहो, हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो, नेगेटिव चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। बेशक दूसरों के फेलियर्स एक्सपीरियंस लेंगे हम, लेकिन हम खुद फेलियर बने ऐसा हम नहीं सोचेंगे। समझ में आ गया बात? तो इसी तरीके से सोच